स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएल और केसीएल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका टॉपिक है केवीएल एंड केसीएल, ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है जो कि आपका क्लास 12th में है। तो हम लोग बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि केवीएल और केसीएल होता क्या है। आपका केवीएल और केसीएल एक इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका इसका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि केवीएल और केसीएल का यूज करके हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको क्या होगा करना होगा कि आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केसीएल से, किर्चॉफ्स करंट लॉ से। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास केसीएल, इसको हम लोग बोलते हैं किर्चॉफ्स करंट लॉ, या इसको हम लोग पॉइंट रूल भी बोलते हैं, या पॉइंट रूल आप भी बोल सकते हो, या इसको आप पॉइंट रूल बोल सकते हो, या इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल। तो बेसिकली आपको ये जो आपका रूल है वो किसी पॉइंट या किसी जंक्शन पे एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट या जंक्शन, या इसको हम लोग नोड रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये नोड कैसे बनता है और जंक्शन कैसे बनता है और पॉइंट कैसे बनता है। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं या बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड हैं, जिस पॉइंट पे बहुत सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग नोड बोलते हैं, या हम लोग जंक्शन बोलते हैं, या हम लोग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास बहुत सारे वायर्स हैं, सपोज एक आपका वायर है, इस वायर में सपोज करंट आपका I1 फ्लो कर रहा है। मेरे पास एक दूसरा वायर है जो इस वायर से भी मिला हुआ है किसी गिवन पॉइंट पे, मैं मान लेता हूँ पॉइंट B पे मिला हुआ है, इसमें भी सपोज मैं मान लेता हूँ कुछ करंट आ रहा है, सपोज इसमें करंट I2 आ रहा है। इस तरह मेरे पास थर्ड वायर है, इसमें करंट I3 आ रहा है पॉइंट B की तरफ, इसी तरह कुछ करंट बाहर की तरफ जा रहा है सपोज I4। इस तरह मेरे पास n नंबर ऑफ वायर्स हैं और सारे वायर्स पॉइंट B पे कनेक्टेड हैं। तो ये जो पॉइंट B होगा वो आपका पॉइंट होगा, जंक्शन होगा, या नोड हम लोग इसको बोलते हैं। सपोज इस जो nth वायर है इसमें मैं मान लेता हूँ इसमें जो करंट है वो है आपका I3। तो इस टाइप के नेटवर्क में हम लोग केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग केसीएल देख रहे हैं। तो केसीएल का जो स्टेटमेंट है वो है कि सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है कि बहुत सारे अगर वायर से किसी गिवन पॉइंट पे मिले हुए हैं तो उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं, और उस पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहे हैं सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट पे कितने सारे करंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो पहला जो आपका वायर में आ रहा है करंट वो है I1, दूसरे में जो है आपका है वो I2, थर्ड में जो है वो आपका I3, इसी तरह जो आपका nth वायर है वो करंट है वो आपका है IN। ये सबका जो सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट IN, इसका सम जो होगा वो होगा इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें जब हम लोग ये अप्लाई करते हैं ये रूल, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग एक कन्वेंशन लेते हैं कि कुछ करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और कुछ करंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर आपका पॉइंट P की तरफ अगर करंट आ रहा है या नोड की तरफ एंटर कर रहा है करंट, तो अगर आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो नोड को जो छोड़ के करंट जा रहा है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस रूल से जो आपका होगा, अगर एक साइड आप पॉजिटिव को रख रहे हो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप रख रहे हो, इनकमिंग को अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो तो जो पॉइंट पी को छोड़ के जा रहा है वो नेगेटिव, और इस नेगेटिव को जब राइट में ले जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब किसी एक गिवन पॉइंट पे या किसी एक गिवन नोड पे अगर जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट उस पॉइंट पी को छोड़ के बाहर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं केसीएल। तो इसको अगर आप समेशन के फॉर्म में रखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सिग्मा, करंट का सम चल रहा है, तो मैं एक वेरिएबल चूज करूंगा आई, और ये वेरिएबल आपका 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है, तो आई इज इक्वल टू 1 टू n में लिख सकता हूं, और ये मैं लिख सकता हूं आई, इसका जो सम होगा वो इक्वल्स टू होगा 0। अब इसको मैं अप्लाई करता हूं, इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं। करंट हम लोग किसको बोलते हैं, करंट हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 टू n dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस d अपॉन dt को इज इक्वल टू 0 है, और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0 के, यहां पे एक कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने इस तरह लिखा।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा को अंदर भी ले जा सकते हैं, डी अपॉन डी टी मैंने रखा और मैं लिखता हूं सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू एन क्यू आई इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ के। अगर इस इक्वेशन को आप अगर इक्वेट करना चाहते हो, डी अपॉन डी टी ऑफ सिग्मा क्यू आई है, यहाँ पे डी अपॉन डी टी ऑफ की है, जब आप लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वेट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा क्यू आई आई इक्वल्स टू वन टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के मीन्स कॉन्स्टेंट। अगर आपके आई का वैल्यू वन पुट करो तो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एन तक अगर जाओगे तो क्यू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये आपका स्टेटमेंट बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, मीन्स इतना जो टोटल चार्ज इस सिस्टम है वो आपका कॉन्स्टेंट है, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डॉट 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 क्यू एन इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपका लॉ है केसीएल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे, उस प्रॉब्लम से हम लोग इस केसीएल को और भी अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक सिंपल प्रॉब्लम लेता हूं, ये मैं क्वेश्चन लेता हूं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है, कुछ इस तरह आपको दिख रहा है नेटवर्क, मैं मान लेता हूं इस वायर में करंट आ रहा है 1 एम्पियर, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर, सपोज मैं मान लेता हूं इसमें करंट है 1 एम्पियर, तो इस वायर में करंट कितना होगा, इस आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग केसीएल का यूज करके, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे कि हमारा नोड कहां पे बन रहा है, नोड या जंक्शन कहां पे बन रहा है। तो हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नोड बन रहा है, क्योंकि ये जो लॉ है केसीएल हम लोग नोड पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोड को मैं मान लेता हूं ए, या इस नोड को मैं मान लेता हूं पॉइंट पी, और इस नोड को मैं मान लेता हूं पॉइंट क्यू। इस वायर में मुझे कुछ भी वैल्यू दिया नहीं है, तो इस वैल्यू में इस वायर में मैं मान लेता हूं कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो आपका एक्स है, क्योंकि पॉइंट पी की तरफ करंट आ रहा है 1 एम्पीयर और 2 एम्पीयर, तो जो इस सेक्शन में होगा, इस सेक्शन ऑफ वायर में वो करंट जाएगा, इसलिए मैंने इसका एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखा। तो सबसे पहले मैं एट नोड पी लगा रहा हूं इस रूल को, नोड पी। तो आपका केसीएल क्या कहता है कि किसी भी एक गिवन पॉइंट पे जितने भी करंट्स होंगे सबका सम जीरो होगा। तो फर्स्ट करंट आपका 1 एम्पीयर 1 हमने रख दिया, प्लस सेकंड जो आपका 2 रख दिया, और थर्ड जो आपका वो x रख दिया, ये तीनों का सम क्या होगा, जीरो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव, 1 मैंने पॉजिटिव ही रखूंगा, 2 एम्पीयर पॉइंट पी की तरफ आ रहा है तो मैं पॉजिटिव ही रखूंगा, x बाहर जा रहा है तो इस x को मैं नेगेटिव ले लेता माइनस x इक्वल्स टू जीरो। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 माइनस x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 एम्पीयर। इसका मतलब मुझे सबसे पहले x का वैल्यू आ गया 3 एम्पीयर। नाउ मैं नोड क्यू पे लगाऊंगा, एट नोड क्यू, जब केसीएल मैं नोड क्यू पे लगाऊंगा तो सबका सम करंट क्या होगा, जीरो। तो मेरे पास तीन करंट है, 1 एम्पीयर है, दूसरा आई है, तीसरा 3 एम्पीयर। तो 3 इनकमिंग पॉजिटिव ही मैं रखूंगा, 1 एम्पीयर अंदर की तरफ आ रहा है पॉजिटिव रखूंगा, आई आपका बाहर की तरफ जा रहा है इसको मैंने नेगेटिव लिया, सबका सम कितना इक्वल होगा, जीरो। तो 3 प्लस 1 4 माइनस आई इक्वल्स टू जीरो, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 4 एम्पीयर। इसका मतलब हमने I का जो वैल्यू है वो होगा 4 एम्पीयर। तो हमने क्लियरली देखा कि हमने केसीएल को कैसे अप्लाई करके किसी भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल, केवीएल। केवीएल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केवीएल एक्चुअली करता क्या है। जैसे केसीएल में हमने करंट के बारे में पढ़ा, केसीएल जैसे नेम इटसेल्फ इट इज सजेस्टिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। यहां पे आपको सिंपली एक ही चीज याद रखना है, आपको एक नोड फाइंड करना है और उस नोड पे जितने भी करंट आपको आ रहे हैं या जा रहे हैं सबका सम क्या होगा, जीरो। तो ये आपका एक बेसिक फंडा है केसीएल के बारे में। ना हम लोग देखेंगे केवीएल के बारे में। तो केवीएल क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको दूसरा हम लोग बोलते हैं लूप रूल या मेस रूल भी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सेकंड हम लोग देखेंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको हम लोग मेस रूल भी बोलते हैं या इसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि आपको एक लूप यहां पे खोजना है। जैसे हमने केसीएल जब प्रीवियस देख रहे थे
तो हम लोग क्या खोज रहे थे, हम लोग नोड को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। यहाँ केवीएल जब अप्लाई करोगे तो आपको एक लूप देखना आता है। लूप का मीनिंग हुआ एक आपको क्लोज पाथ को देखना है, क्लोज पाथ मतलब एक क्लोज सर्किट को आपको देखना है। तो केवीएल करता पहले क्या है वो हम लोग देखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, वोल्टेज लॉ। प्रीवियस केस में करंट का सम जीरो था, अब यहाँ पे आपका वोल्टेज का सम जीरो होगा। मतलब आपको एक लूप कंसिडर करना है, एक आपको लूप देखना है, और उस लूप में आपको जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है इंक्लूडिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, अगर रेसिस्टर लगा हुआ है तो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, सबका सम आपका इक्वल होगा जीरो। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, मैं मान लेता हूं किसी लूप में आपके n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज है इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, तो सबका सम जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो को। इसी को हम लोग बोलते हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, मींस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप और इन अ क्लोज पाथ इक्वल्स टू जीरो। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज नहीं देखना है, वोल्टेज सोर्सेज के अलावा आपको देखना है रेसिस्टर्स आल्सो, अगर रेसिस्टर है तो रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो भी इंक्लूड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर डायरेक्ट इसको मैं कंप्रेस करूं एक सिंगल टर्म में, तो सिग्मा में बोलते हैं क्योंकि यहां पे समेशन हुआ, अलजेब्रिक सम सिंपल सम है, स्केलर सम है, तो सिग्मा v इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल में चूज कर सकता हूं, इस वेरिएबल को मैंने i लिया और ये रन कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो 1 टू n लिख सकता हूं इक्वल्स टू 0। अब मैं इस पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंशियल फॉर्म में रखता हूं। हम लोग पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज dw, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में रखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं dw / dq, और वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास एनर्जी होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं dE / dq। तो इस पोटेंशियल v को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस फॉर्मूला से, डिफरेंशियल फॉर्म से, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा i = 1 टू n, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहां से रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा dE / dq, और इस जीरो को चूंकि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है जीरो, तो dq के रिस्पेक्ट में मैं इसको कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। इस सिग्मा को मैं अंदर ले जाता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो d / dq ऑफ सिग्मा i = 1 टू n ei = d / dq ऑफ k। अगर आप बोथ साइड इक्वेट करना चाहो, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में d / dq है, इधर भी आपका d / dq है, मतलब सेम वैल्यू आप ऑब्टेन कर लो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इसके अंदर वाला जो डिफरेंशिएशन पार्ट है और इसके अंदर वाला डिफरेंशिएशन पार्ट है दोनों का वैल्यू आपका सेम रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट सिग्मा i = 1 टू n ei इज इक्वल टू कांस्टेंट k, अगर i का वैल्यू रिप्लेस करते रहो और इसमें पुट करो तो e1 + e2 + डॉट 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 en इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस टोटल एनर्जी जो है e1 आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 plus E2 plus E3 plus dot dot EN total energy आपको represent कर रहा है, total energy आपका क्या हो गया constant, इसका मतलब law of conservation of energy, इसका मतलब KVL किस पे based होता है, law of conservation of energy। अब ये statement तो हमने देख लिया कि KVL कहता क्या है, ये तो mathematical expression हुआ, अब हम लोग इसको use कैसे करेंगे किसी electrical network में, तो मैं दो problem लूंगा और हम लोग देखेंगे इस दो problem में कि कैसे हम लोग KVL का use करेंगे। आपको सिंपली याद रखना है कि नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी लूप में, यहाँ पे आपको लूप ढूंढना है, क्लोज पाथ ढूंढना है, उसमें आपका टोटल सम जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो होगा आपका जीरो। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सर्किट लूंगा, एक सिंपल नेटवर्क, फिर उसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नेटवर्क लेता हूँ, ये आपका बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, ये मैं मान लेता हूँ R1 है, ये आपका है R2, और ये मैं मान लेता हूँ R3, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, एक सेल है, ये सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है वो मैं मान लेता हूं वी, सबका वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज वी का वैल्यू मैं मान लेता हूं 5 वोल्ट, R1 का वैल्यू मैं मान लेता हूं 1 ओम, R2 का वैल्यू मैं ले लेता हूं 2 ओम, R3 का वैल्यू मैं ले लेता हूं 3 ओम। तो ये आपका कितना करंट सप्लाई करेगा ये सेल इस नेटवर्क में, तो आप डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा के यूज कर सकते हो क्योंकि ये नेटवर्क बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होते जाएगा आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हो डायरेक्टली, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के नहीं यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लोग बेसिक फंडा क्लियर करेंगे केवीएल का, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक लूप है, आप लूप को नेमिंग भी कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को चूज कर सकते हो, सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ए बी
सी डी और ए बी सी डी ये आपका एक लूप बना। अब लूप में आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हो, वापस उसी पॉइंट में आना है, तभी आपका एक लूप कवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे टर्मिनल्स को। तो ये टर्मिनल आपका नेगेटिव है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है सेल का, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव। अब ये रेजिस्टर के टर्मिनल्स को कैसे मार्क करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि आपको करंट के साथ दौड़ना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, चूंकि पॉजिटिव करंट जो स्टार्ट होता है, करंट जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो करंट का डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब करंट के साथ दौड़ना स्टार्ट करो। करंट के साथ दौड़ना हम लोग स्टार्ट किए, सबसे पहले मुझे ये रेजिस्टर मिला, तो जो आपका पहला टर्मिनल मिलेगा वो आपका होगा पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया, तो नेक्स्ट टर्मिनल ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, करंट आगे जा रहा है, मैं करंट के साथ अच्छा घूम रहा हूँ, फिर ये टर्मिनल मिला, तो सबसे पहले जो टर्मिनल मिलेगा आपको याद रखना है वो आपका पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, केवीएल क्या कहता है कि जो आपका नेट वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा, जीरो, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट डी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डी से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहला वोल्टेज मुझे मिला 5 वोल्ट, मैं जा रहा हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो आपका वोल्टेज लोगे वो हमेशा याद रखना है यहाँ पे कन्वेंशन पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो बाय कन्वेंशन आपको याद रखना है नेगेटिव। जैसे प्रीवियस केस में हम लोग केसीएल में देखे थे कि हम लोग करंट को पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे थे। कब हम लोग करंट को पॉजिटिव ले रहे थे, अगर नोड की तरफ करंट आ रहा था तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, और जब बाहर छोड़ के जा रहा था तो हम लोग नेगेटिव ले रहे थे, या आप उसको वाइस वर्सा भी ले सकते हो। ना यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज है उसको भी पॉजिटिव नेगेटिव रखना है, आपको याद रखना है। तो हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, सपोज इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं। मैं चलना स्टार्ट किया, सबसे पहला टर्मिनल मुझे मिला नेगेटिव, नेगेटिव के आगे मैं चला तो मुझे मिला पॉजिटिव, मीन्स मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। तो सबसे पहला वोल्टेज जो मिला 5 लिख लिया, प्लस आगे बढ़ो, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले मुझे कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहां मैं जा रहा हूं, नेगेटिव, डिक्रीज। तो ये आपका जो पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव, और पोटेंशियल रेसिस्टर के अक्रॉस कितना होता है, ओम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूं, वी इज इक्वल टू आई आर। तो करंट है आपका आई और रेसिस्टेंस कितना है 3, तो मैं लिख सकता हूं आई इंटू आर 3, आर 3 का वैल्यू मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा। प्लस आगे बढ़ो, सारे वोल्टेज को जोड़ना है, नेक्स्ट मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, फिर नेगेटिव होगा, करंट कितना दौड़ रहा है, सेम करंट दौड़ रहा है आई, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, मैं R1 अभी रख लेता हूं, R1 प्लस, नेक्स्ट आगे दौड़ते चलो, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये है -2, सॉरी करंट आपका आई, रेजिस्टेंस आपका R2, R2, फिर आपने पॉइंट डी पे आया, सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सारे वोल्टेज का सम कितना होगा 0। अब आपको सॉल्व करना है इसको, 5 - IR3 + - IR1 + - IR2 = 0। ये सारे नेगेटिव को राइट साइड में ले जाओ, आपका सारा पॉजिटिव होगा, I को कॉमन ले लो, R3 + R1 + R2, तो 5 = I, R3 का वैल्यू रिप्लेस करो, R3 का वैल्यू मेरे पास है 3 ओम, प्लस R1 का मेरे पास है 1, और R2 का है आपके पास 2, तो 3 + 1 + 2 आपके पास कितना होगा, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, तो 5 = 6I, और मैं बोल सकता हूं I = 5/6 एम्पीयर, ये आपका करंट आ गया। लेकिन इस केस में आपका क्या था कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, डायरेक्ट आप करंट I = क्या लिख सकते थे, V/R, जहां पे आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, V/R इक्विवेलेंट, V आपका क्या है 5, और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में लगा हुआ है, तो 1 + 3 = 4 + 2 = 5, 3 + 1 = 4 + 2 = 6, सो 5/6 एम्पीयर, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। इस केस में उतना कोई टेंशन नहीं था कि आपको केवीएल अप्लाई करना, लेकिन प्रॉब्लम तब आपको स्टार्ट होगा जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है। तो हम लोग देखेंगे कि कब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, एक सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या डिफरेंस है। सपोज मैंने, मेरे पास 2 सेल है, मैं मान लेता हूँ 1 वोल्ट का, और मेरे पास एक दूसरा सेल है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये 5 वोल्ट का, और मेरे पास रेसिस्टर लगे हुए हैं, मैं मान लेता हूं ये रेसिस्टेंस मैं मान लेता हूं 1 ओम का, और यहां पे मैं मान लेता हूं सपोज 2 ओम का। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर I = V/R equivalent, जो कि दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो 2 + 1 = 3 बोल दोगे, और 5 + 1 = 6 बोलोगे, आपका रॉन्ग होगा आंसर।
ये कभी इस तरह फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अब ये सर्किट चेंज कर चुका है। तो सेम हम लोग आपको क्या कर सकते हैं, केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल अप्लाई करने का सबसे सिंपल रूल है कि सबसे पहले आपको लूप का नाम दे दो, कोई कहीं से भी स्टार्ट करके, सपोज ए या आपका बी या आपका सी या आपका डी, तो आपका जो लूप बना वो हुआ ए बी सी डी ए, ये आपका लूप बन गया एक। अब इस लूप में आपको दौड़ना है, सबसे पहले आपको देखना है कि करंट, करंट को आपको निकालना है। तो मेरे पास दो सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्सेज, एक 5 वोल्ट का है और एक 1 वोल्ट का है। तो मेन करंट जो आपका सप्लाई करेगा वो 5 वोल्ट का होगा। तो ये करंट कितना सप्लाई कर रहा है, मैं मान लेता हूं करंट ये सप्लाई कर रहा है I, और आपको करंट के डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला जो टर्मिनल मिलेगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट के साथ चल रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हमने टर्मिनल्स मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, सारे वोल्टेज को जोड़ के जीरो करना है। तो मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, ए से दौड़ा, सबसे पहला नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा हूँ, इंक्रीज 5 होगा, प्लस दूसरा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस बी इज इक्वल टू आई, कितना है रेजिस्टेंस 1 और आपका करंट कितना है आई, तो 1 इंटू आई और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इसका जो आपका साइन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। प्लस नेक्स्ट जो वोल्टेज है पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा, करंट के डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, माइनस 1 में लूंगा 1 वोल्ट। प्लस नेक्स्ट जो आपका वोल्टेज है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके क्रॉस कितना होगा वोल्टेज, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस 2 और करंट कितना दौड़ रहा है इसमें I, तो हो जाएगा 2 इंटू आई और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है माइनस साइन के साथ। मैं फिर वापस पॉइंट ए पे आ गया हूँ, मैंने सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया, सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा 0। तो 5 माइनस आई माइनस 1 माइनस 2 आई इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 1 4 हो गया, माइनस आई माइनस 2 आई माइनस 3 आई इक्वल्स टू 0 हो गया, 4 माइनस 3 आई इक्वल्स टू 0 और 4 इज इक्वल टू 3 आई, सो आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4/3 एम्पियर। तो इस तरह अगर आपका बेसिक आपको अगर क्लियर है तो आप किसी भी, ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे नेटवर्क लिया है, ये छोटे छोटे नेटवर्क में हमने कैलकुलेट करना सीखा कि कैसे हम लोग करंट का वैल्यू, अगर बड़े बड़े भी नेटवर्क आ गए हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है केवीएल और केसीएल के बारे में। तो केवीएल और केसीएल हमने एनालाइज किया।